थे, ठीक है। उसमें हमने स्थलीय भागों के 5 वर्गों के बारे में पढ़ा था, जो सबसे पहले हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में, जैसे कि हम हरियाणा में रहते हैं तो ये कहाँ पर है? उत्तरी मैदान में, दिल्ली वगैरह सब है। तो उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदियां जैसे सिंधु, ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। तो ये क्या करती है, नदियां जलोढ़ मृदा को अपने साथ भाकर लाती है, मिट्टी को भाकर। तो ये मृदा जहां जहां फैलती है तो वहां की भूमि क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। 7 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग इसका जो क्षेत्र भाग होता है जो कि 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है क्योंकि यहाँ पर सब चीज उपलब्ध हो जाती है, पानी पर्याप्त मात्रा में, मृदा उपजाऊ है, ठीक है। उत्तरी मैदानों से आने वाली नदियां जो इसमें इन कार्यों को पूरा करती है, और निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति जो होती है थोड़ी कम हो जाती है, भाई नीचे जब नदी बह कर ढाल कम हो जाती है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपकरणों में विभाजित किया गया है। तो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था तो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, व्यास और सतलुज हिमालय नदियां, जैसे पंजाब है तो पंजाब को पंजाब क्यों कहते, कि पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसके कुछ नदियां जो है कहाँ पर है, पाकिस्तान में। गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो तिस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तरी मैदान के राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। उत्तरी मैदान की जो इसके विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियां जो है विभिन्नता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। नदियां पर्वतों से उभरते शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी गुट्टी का विशेषण करती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, भावर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पूर्ण निकलती हैं, जिसे दिखाया गया प्रायद्वीप पठार है, ठीक है। इसका निर्माण दलदली निर्माण होता है, जिसको क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। उत्तरी मैदान का जो विशालतम भाग है उसको जलोढ़ का बना होता है, जलोढ़ मृदा से। यह मैदान बाढ़ के वाले मैदान के ऊपर स्थित है। इसको बेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जिसे स्थानीय भाषाओं में क्या कहा जाता है, कंकड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंकड़ कहा जाता है। कहते हैं ना कंकड़, जो पत्थर का छोटा सा भाग होता है उसको। बाढ़ वाले मैदानों के न्याय को बाढ़ वाले जो मैदान होते हैं उनके जो नए तथा उपास्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, खादर कहा जाता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तो खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो ये तो था आपका उत्तरी मैदान। अब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार क्या है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है। कैसा होता है कि मेज की आकृति होता है, जो पुराने गैने तथा रूपांतरित शैलों से बने होते हैं। यह गौड़माना भूमि के टूटने तथा के कारण होता है।